थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप अनएम्प्लॉयड हो। वैसे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई ऐसी डिग्री, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है जिसके थ्रू आप अच्छी जॉब ले सको। और ऐसी सिचुएशन में आपका एक दोस्त आपके पास है और आपसे कहने लगे कि उसके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एक महीने के अंदर BMW और ऑडी तेरी। कैसे? इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और नीतीश सिंह, ये इतने बड़े आदमी कैसे बने? कैसे बने? विश्वास और सेल्फ बिलीव से। मैं तेरे को नीतीश सर का नंबर देता हूँ, तू इनसे बात कर और बस तेरी लाइफ सेट है। एक मेरे सीनियर है, हाँ। मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ। उन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस से अराउंड 4 लाख रुपीस कमा चुके हैं, प्लस एक अचीवमेंट भी आईफोन लिया है, प्लस बुलेट लिया है। सर मेरा सपना है आईफोन लेने का, आईफोन 15 लेने का। जो है उन्होंने बहुत ही 100 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा, सब मेरे को भी बहुत सपोर्ट करते हो। सर आप उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। आपका नाम क्या है सर? ये मेरा नाम नीतीश है। नीतीश, ओके सर। नीतीश राजपूत? हाँ हाँ, नीतीश जागतिकर। तो नीतीश सर से बातचीत करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया और नीतीश सर ने कुछ अपने अर्निंग के प्रूफ्स भी भेजे हैं, जिसमें से एक ये है। इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं ना, और ये इतने ब्लर हो चुके हैं क्योंकि इन्हें 1000 बार फॉरवर्ड कर चुके होंगे ये लोग आगे। ये डैशबोर्ड भेज दिया, 11,000 लाइव अर्निंग, 54,000 30 डेज। तो बेसिकली ये टैक्टिक मुझे मोटिवेट करने के लिए यूज़ करी गई है। नीतीश सर ने अपनी टीम के कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिए जिसमें वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि उनकी टीम के मेंबर्स लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। और अचंभे की बात ये है कि नीतीश सर को मुझे जानते हुए सिर्फ एक ही दिन हुए हैं और उन्होंने मुझे अपने सारे अर्निंग के प्रूफ भेज दिए। अब एक ज़माना हुआ करता था जब लोग अपनी कमाई छुपाया करते थे, लेकिन अब टाइम आ गया कि लोग बढ़ा चढ़ा के अपनी कमाई दिखा रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि उतने ही पैसे वो आपको भी कमवा देंगे। आज के समय पे अगर कोई भी इंसान हमारे बिना पूछे हमारी हेल्प करने लगे तो उस पे हमें डाउट होने लगता है, दिमाग में आने लगता है कि आखिर इसके इंटेंशंस क्या है, ये हमारी मदद क्यों कर रहा है जबकि इसमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और ऐसे टाइम में आपको कोई आके कहे कि उसके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो, एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, पहली बार ये सब सुनते ही टू गुड टू बी ट्रू लगेगा। फिर आप जानना चाहोगे कि आखिर इस बिजनेस में करना क्या होगा, एक्चुअल बिजनेस प्लान क्या है। उस चीज का कोई भी डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दिया जाएगा, बात को वहीं पे घुमा दिया जाएगा। और इन बातों में 2-3 वर्ड्स आपको कॉन्स्टेंटली सुनने के लिए मिलेंगे, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी। आप इन लोगों के बिजनेस के बारे में जितना डीपली जानने की कोशिश करोगे उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, क्योंकि ये कहीं पे भी अपने काम के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते। इस चीज को बहुत सारे अलग अलग नामों से चलाया जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। इस पूरे प्रोसेस का नाम बार बार चेंज होते रहता है लेकिन काम करने का तरीका नहीं। सवाल ये है कि आखिर लोग इनके इस बिजनेस प्लान में या इनकी स्कीम में फंस कैसे जाते हैं, और ये मार्केट कितना बड़ा है, ये कहां से शुरू हुआ। ये लोग सोसाइटी के उस पार्ट को टारगेट करते हैं जो इनकी अचीवमेंट्स देखकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, रादर देन पूरा बिजनेस प्लान सुने और उसे समझे। लोगों के अंदर उस हद तक सेल्फ डाउट डाल दिया जाता है कि उससे एस्केप करने के लिए उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है, उनके सामने प्रेजेंट करी गई ये अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग जॉब या फिर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण इन पिरामिड स्कीम्स में फंस जाते हैं। एक बार अगर इस लूप में फंस जाओ तो यहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको इन पिरामिड स्कीम्स को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब हो तो, जिसमें आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे आप अपने स्किल्स के बेसिस पे कोई भी टेक या नॉन टेक जॉब सिक्योर कर सकते हो, वो भी अपने घर से AI इंटरव्यू की हेल्प से। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, इसे करने में 90 सेकंड से भी कम लगेंगे। अब जिस भी जॉब में आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसके बारे में सर्च करो, यहाँ पे 200 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि टेक और सेल्स के रोल के लिए हायरिंग कर रही हैं, जैसे फोन पे, जूम कार, प्लम एंड मेनी मोर। अब जिस भी कंपनी में आप सेलेक्ट होना चाहते हो वहाँ पे अपना AI इंटरव्यू स्टार्ट करो, फिर आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको आंसर करना होगा। ये प्रोसेस 5 मिनट से भी कम समय लेगा और सेलेक्ट होने के लिए आपको इन सभी क्वेश्चन के सही आंसर करने होंगे, और फिर इंटरव्यू के बाद रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा एंड इफ दे लाइक यू, यू विल डायरेक्टली रिसीव ए कॉल और मैसेज फ्रॉम देम। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे आप टेक में 45 लाख और नॉन टेक में 25 लाख तक के पैकेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो। और नेक्स्ट लेवल रेगुलर कॉन्टेस्ट भी होस्ट करता है टेक और नॉन टेक दोनों ही कैटेगरीज के लिए, और अगर आप यहाँ लीडर बोर्ड टॉप करते हैं तो आप जीत सकते हैं कुछ टॉप प्राइजेस जैसे मैकबुक, आईपैड, किंडल एंड मेनी मोर। सो गो एंड चेक आउट नेक्स्ट लेवल फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब सवाल ये उठता है कि MLM कंपनीज नॉर्मल कंपनीज से अलग कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, और जब ये बिजनेस प्लान इतना फ्रॉड है तो इतने सारे लोग इसको प्रमोट करने के लिए डेस्परेटली क्यों लगे हुए हैं। आखिर कौन है जो इस बिजनेस मॉडल से पैसा बना रहा है
और लेवल सबके निकलेंगे या नहीं। MLM कंपनीज का बिजनेस मॉडल 200 साल से भी पुराना है और दुनिया की बाकी कंट्रीज में भी ये कंपनीज ऑपरेट होती हैं। लेकिन इंडिया में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग 1995 में स्टार्ट हुई और इसको ओरिफ्लेम नाम की एक कंपनी ने स्टार्ट किया था और इसके 2-3 साल बाद एमवे और एमोन नाम की कंपनीज भी मार्केट में आने लगी। अब इंडियन मार्केट के लिए ये कॉन्सेप्ट काफी नया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने इससे जुड़ना स्टार्ट किया वैसे ही कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने लगी, जिसका रिजल्ट ये है कि आज इंडिया के अंदर 450 से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं और ये कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट मार्च 2023 की है जिसमें ये बताया गया कि साल 2021 और 22 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने 19,000 करोड़ की एनुअल सेल्स की थी। गवर्नमेंट इन कंपनीज के ऊपर एक्शन ना ले उसके लिए दो टाइप की सेलिंग करती है, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा पिरामिड स्कीम से डिस्ट्रीब्यूशन। अब डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर प्रोडक्ट्स के बदले पैसे देते हैं और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लीगल है, लेकिन जब बात पिरामिड स्कीम की आती है तो इसमें 99% कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनी लॉस होता है। साल 2018 से 21 तक इंडिया के अंदर पिरामिड स्कीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पीक पर था, जिसके चलते बहुत सारे कस्टमर्स को मनी लॉस भी हुआ और फिर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए पिरामिड स्कीम को बैन कर दिया। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, कंपनीज ने लूपहोल्स ढूंढ लिए और सीधा सीधा बोला जाए तो आज भी लोग MLM चला रहे हैं और पिरामिड स्कीम से जुड़ भी रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 84 लाख डायरेक्ट सेलर्स आज भी एक्टिव हैं। लोग आज भी इन स्कीम्स को इनके नुकसान को जाने बिना ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब इस सो कॉल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कोई MLM वाला किसी के भी सामने प्रेजेंट करता है तो वो इसे एज अ बिजनेस प्रेजेंट नहीं करेगा। ज्वाइनिंग से पहले नए यूजर के जो भी सेमिनार्स होंगे, मीटिंग्स होगी, उसमें सिर्फ उस यूजर के फायदे की बातें होंगी। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो लोग भी MLM में काम करते हैं और लेट्स से जो MLM की फोर्स है उसमें काफी बड़ा परसेंटेज कॉलेज स्टूडेंट्स का है या फिर ऐसे लोग हैं जो अभी कॉलेज पास करके आए हैं, बाकी कुछ परसेंट विमेन देखने के लिए मिलेंगी और बचे हुए जो लोग हैं या तो उनके पास किसी अच्छे कॉलेज से कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है या फिर उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पे इतना विश्वास नहीं है कि वो एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर लें और उनके पास कोई रियल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल फंड्स नहीं है। अब ऐसे लोगों का MLM कंपनीज के लिए टारगेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। MLM कंपनीज ऐसे ही वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी को टारगेट करती है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना, बहलाना फुसलाना इजी होता है कंपैरेटिवली एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को मैनिपुलेट करने के, और कुछ केसेस में तो वो लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। MLM कंपनीज सबसे पहले तो अपने न्यू ज्वाइनर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलती है, कोशिश ये की जाती है कि उनका कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से काट दिया जाए, कॉर्पोरेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेसेस को खराब बता के। मतलब MLM के बाहर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर ऑप्शंस हैं, वो सब MLM से इंफीरियर हैं और उन जॉब्स में अगले 20 सालों में जितने पैसे आप कमाओगे, जितनी ग्रोथ करोगे, उससे 5 या 10 गुना ज्यादा आप MLM में आधे टाइम में कर लोगे। पहले महीने 10,000 का चेक आएगा, दूसरे महीने 20,000 का, 6 महीने बाद 40,000 का, उसके 1 साल बाद 1 लाख पर मंथ। तो MLM के एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि बाकी सारे प्रोफेशंस को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है जब बिना डिग्री के, बिना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के हम उनसे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, अपने नए ज्वाइनर्स को मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश करने के लिए ये टॉप के कुछ एग्जांपल्स का यूज करते हैं। टीम में एक गाड़ी की डिलीवरी हो तो उसको 20 लोग लेने जाते हैं और वो फिर अपने अपने स्टेटस पर वो फोटो अपलोड करते हैं, जिसे देख के इनकी पूरी टीम मैनिपुलेट मतलब मोटिवेट हो जाती है, और इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। देखो, चाहे जॉब हो या बिजनेस, हर इंसान ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करने का, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाने का। बट द सैड पार्ट इज कि MLM कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इस हद तक ब्रेन वॉश कर पा रही हैं, और घूम फिर के इतने सारे मैनिपुलेशन की जड़ है पिरामिड स्कीम। हमें पता चला कि हमारे घर में ही इम्पोस्टर था। हमारे टीम मेंबर, नियर एंड डियर फ्रेंड शौर्य तोमर खुद MLM के बेताज बादशाह रह चुके हैं। तो शौर्य भाई, कैसे शुरू हुई थी आपकी MLM की जर्नी? तो हर्ष जी, ये बात है 2019 के एंड की। लगभग कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम पे, मैं पहले से कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता था ड्रॉप शिपिंग के बारे में या फिर कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक प्रोफाइल शेयर की थी, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया। तो मेरे फ्रेंड ने बताया था कि ये ऐसे ऐसे कुछ काम करते हैं ऑनलाइन, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया और उनका तुरंत रिप्लाई आ गया मेरे पास। तो उसके बाद हमारी एक ऑफलाइन मीटिंग हुई जिसमें कि उन्होंने मेरे को समझाया कि उनकी कंपनी किस टाइप की प्रोडक्ट्स बनाती है। उन्होंने एक कॉपी पेन पर अपना पूरा बिजनेस मॉडल समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि ये पिरामिड स्कीम मल्टी लेवल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है। और फिर आपने ज्वाइन कब करा उसके बाद? मैंने जब हमारी बात हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइनिंग के वक्त मैंने दिए थे लगभग 20,000 के आसपास। 20,000? और yes, रिकवर हुए 6-7 के आसपास। तो ये 2cc 3cc क्या है? ये 2cc 3cc इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि ये जो सीसीज है ना, ये है कंपनी क्रेडिट्स। 1cc क्रेडिट्स होंगे आपके 15,000 रुपये के। 15,000 रुपये के आपके प्रोडक्ट्स जब आपकी आईडी से परचेज होते हैं
तो 1 CC आपके कंप्लीट होते हैं ID पे। किसी को ज्वाइन करवाना है और अगर आपको उसका कमीशन चाहिए तो लेवल 1 पे अगर आप हो और अगर आप किसी को ज्वाइन करवा के उसको लेवल 1 पे ला रहे हो, वो लेवल 1 कब आएगा? जब आप 2 CC कंप्लीट करवा दोगे, और 2 CC कंप्लीट होगा 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट जो है जब परचेज हो जाएंगे उससे। तो आदमी को भी पता नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है, और उसको समझा भी दिया कि जो है प्रोडक्ट बेचने भी नहीं, इसी तरह यही काम करना है, बस ये घर बैठे होगा। तो ये था MLM और पिरामिड स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर। और जब इस स्कीम की अतिकटनी शुरू हो गई तो 2021 में गवर्नमेंट ने मनी सर्कुलेशन वाली पिरामिड स्कीम्स को बैन कर दिया। तो पिछले कुछ महीनों में जो ये पिरामिड स्कीम वाले लोग हैं, इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है। मतलब हरकतें सेम है, बस नाम बदल गया है। अब ये इसको बुलाते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। MLM वाले आजकल डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे लोगों को स्कैम करने लगे हैं, और इसके बारे में पता लगाने के लिए हमने कुछ MLM कंपनीज में एनरोल किया। जो डायमंड कोर्स है आपका, अगर मैं ये परचेज करता हूँ तो मुझे फिर मतलब मैं कितने दिनों में बिजनेस के लिए अप्लाई कर पाऊंगा आपके? आठ बजे से पहले अभी 7 बजे है ना? हाँ ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में कोशिश करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करो। ओके, मैं सिखाऊंगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। ये तो भाई सबके स्टेटस में है, जितने भी MLM वाले लोग हैं, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि इनके स्टेटस में भी जितने लोगों को ये सम्मानित कर रहे हैं अवार्ड्स के साथ और तालियों के साथ, वो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज में फ्रेशर्स हैं। कन्फ्यूजन है कि मैं वो कोर्स लूंगा तो उसमें क्या कुछ मिलेगा क्या? और एक बार आपने मुझे एक बैग आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। आप बताओ, आप BBA कर रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के साथ आप ये वर्क एकदम अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे तुम्हें व्हाट्सएप हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, सोशल मीडिया के सारे सपोर्ट्स मिलते हैं, प्लस तुम्हें जो है लाइव ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा मैम, अगर मैं इस कोर्स के थ्रू पैसा कमाना चाहूँ, जैसे मैं अगर मैं अपने फ्रेंड्स को एक कोर्स सेल करके, मुझे कुछ कमीशन भी मिलेगा? यस, 90% कमीशन मिलेगा, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अगर मैंने 5,000 का कोर्स सेल किया तो उसका 90% कमीशन मिलेगा मुझे? 8,050 का अगर एक कोर्स सेल करते हो तो तुम्हें 5,500 रुपए कमीशन मिलता है। कितना? 5,500। साढ़े पाँच, अगर 2 टर्बे करते हो तो 11,000 तुम्हारी दिन की अर्निंग होती है, अगर 3 टर्बो कर दे हो तो तुम गिनो उसमें। ओ भाई, 15,000 के ऊपर हो जाते। तो ऐसे तो मैं एक हफ्ते में iPhone ले लूंगा। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, देखो बिफोर इट वॉज डायरेक्ट सेलिंग, अब डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम ये थी कि जो यूथ था वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, और इनकी ये स्कीम काफी एक्सपोज भी होने लगी थी। आपको याद होगा साल 2021 में लक्ष्य ने भी MLM पे काफ़ी वीडियोस बनाए थे और तब इनका लगभग सारा मॉडल एक्सपोज हो गया था। लेकिन फिर इन्होंने जो अपने मॉडल में चेंज किया, ये इस तरीके के कोर्सेज मार्केट में ले आए। अब ये क्या बोलते हैं कि आप इन कोर्सेज के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, ट्रेडिंग सीख लो, तो यहाँ पे स्कैम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता लगा कि एक कोर्स को सेल करने पे सेल्स पर्सन को 90% कमीशन मिलेगा, तो इससे अंदाजा लगा लो कि ये कोर्स कितनी ही वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। और अभी मैं इनकी वेबसाइट पर भी गया, कॉन्टेंट क्रिएशन मास्टरी का कोर्स लेते हैं, इसकी कॉस्ट है 3,500 रुपए। सो ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुल की स्पेलिंग भी एकदम सही है। कंटेंट क्रिएशन मास्टरी का कोर्स मेरे पास आ चुका है, और ये है मेरा डैशबोर्ड। देखो ये है सारा खेल, आप एनरोल करोगे स्किल्स सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेन जो खेल है ना वो सारा है सेलिंग का। ये जो झूठ बोलते हैं ना कि हम एक दिन का 1,000 कमाते हैं, वो सारा सच अब यहाँ निकल के आ गया, क्योंकि जिसके थ्रू मैंने कोर्स लिया है उसका कमीशन अभी जस्ट अपडेट हुआ है 2,500 रुपए, और इन्होंने मुझे अपनी कमाई भेजी थी एक दिन की 35,000 रुपए। वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स। 3,500 रुपए मुझे एक कोर्स मिला जहाँ पे एक इंसान वेबसाइट पे कर्सर से ऐसे ड्रॉ कर करके मुझे पढ़ाएगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इतनी अच्छी है कि नीचे टास्क बार भी दिखेगा उसका। देखो यार, करियर पाथ कोई भी हो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये जो MLM वाले लोग हैं ये स्टार्टिंग से इसी बात को पुश करते रहते हैं कि MLM ज्वाइन करो तो तुम कम टाइम में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, जबकि MLM के एम्प्लॉयज़ की खुद ही हालत है। अब कल मैंने यहाँ कुछ जगह क्वेरी डाल दी थी, मुझे हर एक इंसान से 50 मैसेज, 60 मैसेज 1 या 2 घंटे के अंदर आ गए, और तब से ये रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं कि कोर्स लिया या नहीं। अब देखो मेरे 3,500 तो गए, और इन कोर्स से ना मैं कुछ ऐसा सीखने वाला जिससे मैं आगे इन पैसों को रिकवर कर लूंगा। अब रिकवर करने का एक तरीका बचा, किसी को फ़ोन घुमाऊँ
और ये कोर्स वापस उसे सेल करूं। और 90% कमीशन सुन के किसी के भी मन में लालच आ जाएगा, स्पेशली जो स्टूडेंट होगा उसके। तो आगे और भी तरीके डिस्कस करेंगे जिन्हें यूज करके ये जनता को स्कैम करते हैं। एक और लूप होल जिसके थ्रू इन्होंने अपने बिजनेस को काफी हद तक सस्टेन कर रखा है। जैसा शौर्य ने बताया था कि बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट पे करनी होती है टू बाय द प्रोडक्ट्स, तो अब उस स्कीम पे तो लग गया बैन। तो इन लोगों ने क्या किया, वो प्रोडक्ट्स बेचने का एक नया तरीका निकाल लिया। अब न्यू ज्वाइनर को एक वेलकम किट खरीदनी होगी। अगर आपने लाइफ में कभी जॉब की होगी तो आपको पता होगा कि ज्वाइनिंग कंपनी कुछ गिफ्ट्स भिजवाती है, तो इसी तरह से ये MLM कंपनीज न्यू जॉइनर्स को गिफ्ट्स प्रोवाइड करने लगी, लेकिन उस गिफ्ट के लिए जॉइनर्स को पे करना होगा। आएंगे उस गिफ्ट हैम्पर में प्रोडक्ट्स ही, मतलब ये जबरदस्ती का गिफ्ट होगा जो सबको खरीदना होगा। अल्टीमेटली कंपनी ने यहाँ क्या किया, लूप होल का इस्तेमाल करके एक और सेल कर दी। न्यू जॉइनर्स ने किट के लिए पे कर दिया। अब जब वो किसी और बंदे को जोड़ेंगे तो उनको उस बंदे को जोड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें वेलकम किट देनी होगी। तो ऐसे ही ये चेन घूमती रहेगी और कंपनी की सेल जनरेट होती रहेगी। अब कोई कोई इंसान पिरामिड स्कीम को ज्वाइन करने के बाद कुछ समय में ही समझ जाता है कि ये एक स्कैम है और उससे शांति से एग्जिट ले लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, इनफैक्ट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो लग्जरी लाइफस्टाइल से, गाड़ियों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है, क्योंकि उन्हें वो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने के लिए MLM के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता। तो उनके लिए MLM एक बहुत अच्छी होप है। और MLM को प्रेजेंट भी इसी तरह से करा जाता है कि तुम्हारी लाइफ में एक लास्ट होप अगर कोई बची है तो वो ये है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं तो किसी अच्छी कंपनी में सेल्स की नौकरी कर लो, मार्केटिंग की नौकरी कर लो, वहां ज्यादा अर्न कर लोगे सेम स्किल के साथ। इधर अपना टाइम वेस्ट मत करो। एंड इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट, अभी के अभी अपने सर का नंबर ब्लॉक कर दो और क्लास में जाके पढ़ो, होमवर्क सबमिट करो, वो काम आएगा, ये सब नहीं। टेम्परेरी इनकम के चक्कर में इधर उधर भटकोगे ना तो इस वक्त पे जो स्किल्स सीखनी जरूरी है वो नहीं सीख पाओगे, और यही स्किल्स पूरी लाइफ काम आएंगी। कौन सा लेवल हो गया ये कोई नहीं पूछेगा आगे जाके। देखो, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम सबको चाहिए, जिसके लिए आप नेक्स्ट लेवल को चेकआउट कर सकते हो। सो क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड साइन अप।